दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई लड़की है या कोई लेडी है और वो आपसे प्यार करती है, तो आप इस चीज़ का पता कैसे लगाओगे, कैसे जान पाओगे कि वो लड़की या लेडी मुझसे प्यार करने लगी है? मुझे तो नहीं पता आप एग्जैक्टली इसका पता लगा सकते हो। तो आज आपका भाई इसी के बारे में बात करने वाला है कि अगर कोई लड़की या कोई लेडी है, मन ही मन किसी को चाहती है, तो उसके सामने वो कौन से इशारे देती है या कौन से हरकत करती है। तो चलते हैं दोस्तों हम वीडियो की ओर। सबसे पहला पॉइंट है देख के घबरा जाना या नर्वस हो जाना। देखो गाइस, अगर कोई लड़की या कोई लेडी आपसे सच्चा प्यार करती है ना, तो वो आपसे आँख में आँख डालकर बात नहीं कर सकती है। यह मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। शुरू में कुछ महीनों तक ऐसा होता है, कुछ महीनों तक कोई भी लड़की आँखों में आँखें डालकर बात नहीं करती है। वो आपसे अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर पाती हैं। वो आपको मनी मन चाहती हैं, आपसे प्यार करती हैं। वो सोचती हैं कहीं मैं इनसे आँख में आँख डालकर बात करूँ और मुझसे कुछ गलती हो जाए तो ये मुझे नापसंद करने लग जाए, इसीलिए वो आपसे आँख में आँख डालकर बात नहीं करती हैं। जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, वैसे वो कंफर्टेबल होना महसूस करती हैं, तब वो आँखों में आँखें डालकर बात करेंगी। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं करेंगी, शुरू में वो शर्म करेगी, उसके अंदर हया होगी, वो आपसे आँखों में आँखें डालकर बात नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, अगर कोई भी लड़की या कोई भी वूमेन या कोई भी औरत आपके सामने आती है और आपसे बात करती है, लेकिन वो आपसे आँखों में आँखें डालकर बात नहीं करती है, तो वो आपसे प्यार करती है, वो आपको दिल दे बैठी है, से आप कहीं उसको अचानक से मिल जाते हो तो अचानक से चौंक जाती है, गर्भ आपको देखकर घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। तो दोस्तों, कोई भी लड़की अगर इस तरह कर रही है तो वो आपको दिल दे बैठी है, वो आपको पसंद करती है। अब इसके आगे का प्रोसेस आपको करना है, वो नहीं करेगी, वो तो आपको इशारे दे रही है, आपको हिंट दे रही है। अब इसके आगे प्रक्रिया आपको करना, क्योंकि वो आपको पसंद ना करती होगी तो आपको देख कर चौंकेगी क्यों, घबरा क्यों जाएगी? आपके सामने आकर सामने से सामने फेस टू फेस आपसे बात करेगी। अब वो इसीलिए चौंक जा रही है, घबरा जा रही है, क्योंकि वो आपको पसंद करती है, क्योंकि वो आपको दिल दे बैठी है। जैसे आप किसी को प्यार करते हो या पसंद करते हो, तो उसके सामने जाओगे, अचानक से वो मिल जाएगी, तो आप चौंक जाओगे, घबरा जाओगे, आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे, क्योंकि सोचोगे कि आप पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, उसको सामने वाला का इंप्रेशन कैसा जाए। तो सेम ऐसे लड़कियाँ भी करती हैं, अगर वो आपको देख के चौंक रही है, घबरा रही है, नर्वस हो रही है, तो वो आपको पसंद करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेस्ट लुक। दोस्तों, आप एक बात बताओ, जैसे मान लो आप किसी लड़की को पसंद करते हो या किसी औरत को पसंद करते हो, तो उसके सामने कैसे जाओगे? जैसे घर में रहते हो वैसे जाओगे नहीं, जैसे घर में केफरी बनियान एंड तौलिया में रहते हो उस तरह तो जाओगे नहीं, क्योंकि उसका बैड इंप्रेशन पड़ेगा। आप अपने आप को मेंटेन करके बेस्ट लुक में जाओगे, ताकि उस औरत या लड़की पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े और वो भी आपको पसंद करने लगे, क्योंकि आप उसको पसंद कर रहे हो। तो सेम केस में लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। अगर वो आपके सामने मेंटेन होके आ रही है, आपसे स्माइल करके बात कर रही है, वो अपने आप को अपग्रेड कर रही है, मतलब मेंटेन जैसे घर में रहती हो ऐसे नहीं आती, अपने आप को एकदम बेस्ट लुक में आती है, तो वो आपको पसंद करती है, क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाह रही है कि मैं भी सुंदर हूँ, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आपको पसंद करती हूँ, इसीलिए वो बेस्ट लुक में आती हैं। अगर कोई भी लड़की या औरत आपको देखकर घबरा रही है या आपको देखकर चौंक रही है या आपके सामने बेस्ट लुक में आ रही है, तो वो आपको पसंद करती है। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% केस में है कि वो आपको पसंद करती है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कौन से आपके पैसे लग रहे हैं, मैं मिलता हूँ।